1 दिसंबर से मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए कदम उठाएं राज्य। केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए जाने की दी हिदायत। एमपी विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए तन रही तलवारें। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने का प्रस्ताव। मालेगांव विस्फोट मामले में निसार की याचिका पर 27 नवंबर को आएगा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। 2008 के मालेगांव विस्फोट में बिलाल के बेटे की हुई थी मौत। विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे और अन्य 100 लोग हुए थे घायल। रविशंकर प्रसाद बोले, कोरोना संकट के दौरान हाई कोर्टों जिला अदालतों ने ऑनलाइन की 25 लाख सुनवाइयां। महामारी के समय भी भारत में कामकाज नहीं रुका। चेन्नई एयरपोर्ट 14 घंटे बाद फिर से खोला गया। अमित शाह ने तमिलनाडु पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से की बात। निवार के चलते बुधवार शाम 7 बजे बंद किया गया चेन्नई एयरपोर्ट, आज सुबह 9 बजे खोल दिया गया। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से लीज पर लिए प्रीडेटर ड्रोन, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर होगी तैनाती। भारत और चीन की सीमा पर भारी तनाव को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अमेरिका के इन ड्रोन को अपनी फ्लीट में किया शामिल। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पथराव किया, पुलिस ने वाटर कैनन चलाई, आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली NCR में मेट्रो दोपहर 2 बजे तक बंद। अंतिम सफर पर अहमद पटेल, राहुल गांधी ने दिया कंधा। कमलनाथ, भूपेश बघेल, सुरजेवाला सहित कई कांग्रेसी नेता पिरामड़ गांव पहुंचे। DGCA का निर्देश, 31 दिसंबर तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बढ़ाया। यूपी में शादी समारोह के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं, बैंड बाजी की भी इजाजत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह को लेकर दिए स्पष्ट निर्देश। जर्मनी में 20 दिसंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। यूके में 5 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें। जर्मनी ने 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया आंशिक लॉकडाउन। बाइडेन 8 करोड़ वोट हासिल करने वाले US के पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ट्रंप दूसरे नंबर पर। डोनाल्ड ट्रंप को मिले 7 करोड़ 38 लाख वोट। सबसे संक्रमित देश अमेरिका में हर घंटे उड़ान भर रहे 7,000 विमान। बुधवार तक 15 लाख लोग कर चुके हैं हवाई सफर। रूस के स्पुतनिक वी भी 95% असरदार। रूसी लोगों को फ्री और बाकी देशों को 700 रुपए से कम में मिलेगी वैक्सीन। लोगों को लेने होंगे वैक्सीन के 2 डोज। रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हुए इंडोनेशिया के मंत्री ने मांगी माफी। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान लग्जरी खरीदारी के दौरान धन का किया था इस्तेमाल। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। 1 दिसंबर से बैंक खातों में आनी शुरू हो जाएगी 2,000 रुपए की किस्त। मजदूर संगठनों की हड़ताल से सरकारी बैंकों में कामकाज आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय स्टेट बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों में कामकाज सामान्य। न्यूजीलैंड दौरे पर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी संक्रमित। रोकी गई ट्रेनिंग, मेहमानों ने प्रोटोकॉल तोड़े। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बताए खिलाड़ियों के नाम। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां से फोन पर धमकी देकर पैसे मांग रहा शख्स हुआ गिरफ्तार। आरोपी 2 महीने से दे रहा था धमकियां। तीसरी बार रद्द होने जा रहे फिल्म फेयर पुरस्कार, दूसरे फिल्म अवार्ड्स का आयोजन भी मुश्किल। फिल्म पुरस्कारों का इस साल या अगले साल की शुरुआत में आयोजित होना नामुमकिन।